मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान के निधन के बाद बॉलीवुड को एक और बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को 71 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में उनका इंतकाल हो गया। उन्हें मलाड स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान सिर्फ परिवार के लोग ही मौजूद थे। सरोज खान को 17 जून से मुंबई के बांद्रा में स्थित गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात 1:52 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि सरोज डायबिटीज और इससे जुड़ी कई बीमारियों से जूझ रही थी। हॉस्पिटल में भर्ती के बाद उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। साथ ही आपको बता दें कि सरोज खान ने लंबे समय से काम से ब्रेक ले रखा था। बीते साल 2019 में उन्होंने वापसी की और मल्टी स्टार फिल्म कलंक और कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में एक एक गाना कोरियोग्राफ किया था। सरोज खान ने 3 साल की उम्र में बतौर बैकग्राउंड डांसर अपना करियर शुरू किया था। फिलहाल तो अब हम सब यही दुआ कर रहे हैं कि सरोज खान की आत्मा को भगवान शांति दे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।